बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा किचन में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कोरमा, चिकन कोरमा। चिकन कोरमे के लिए आधा किलो मैंने चिकन लिया है, दो के साफ करके रख लिया है। दो से तीन प्याज लिए जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। गार्निश के लिए अदरक, सब्ज मिर्च और धनिया है। नमक जाएगा, सुर्ख मिर्च जाएगी, दही जाएगा फेंटा हुआ मैंने, खुश्क धनिया और ज़ीरा मैंने पीसा पीस के रखा हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, साबुत मसाला जाएगा और पीसा हुआ मसाला जाएगा। तो सबसे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, उसकी कढ़ाई चढ़ा दी है। तो सबसे पहले प्याज को ब्राउन करते हैं, क्योंकि प्याज ब्राउन करके हमने निकालना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, प्याज थोड़ा टाइम लेता है गर्म होने में। जब प्याज गर्म हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तब तक के लिए हम गोश्त को मसाले लगाते हैं। दही डालेंगे 5 से 4 चम्मच, आधा किलो के हिसाब से 5 से 4 चम्मच की इसकी ज़रूरत है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा मैंने तवे पे भून के रखा हुआ है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी मैंने नहीं डाली इसके अंदर, गरम मसाला हम एंड पे डाल देंगे। इसको जब तक प्याज ने शुरू होना है, इसको मसाले लगा के हम रख देंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसे बाहर निकालते हैं किसी टिश्यू पेपर में डाल के। मैंने पहले छोटा छोटा काटा है, छोटा काटने से एक तो जल्दी हो जाता है और एक मसलने में आसानी हो जाती है। प्याज इस तरह रख लें, थोड़ा सा फैला दें ताकि ये ठंडा होके क्रिस्पी हो जाए। अब डालेंगे इसी ऑयल में मुर्गी, जो कि हमने सारा कुछ लगा के मसाले इसको 10 से 15 मिनट हो गए रखे हुए। अब डालेंगे चूल्हा करने के बाद, ताकि ऑयल उड़े ना। गरम मसाले दो से एक मिनट के लिए इसको भूनेंगे, बस सिर्फ स्मेल के लिए, खुशबू के लिए। इसकी सब्ज़ इलायची और दालचीनी की खुशबू है। सब्ज़ इलायची है, दालचीनी है और मैंने ज़ीरा डाला। साथ ही डाल देगा जो कि हमने मैगी में भी किया था मैगी, साथ ही इसका मसाला। मसाले में मैंने कुछ धनिया, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुर्ख मिर्च के 1 से 1.5 चम्मच, नमक, गरम मसाला साथ ही जाएगा, हल्दी मैंने इसके अंदर नहीं डाली, आप चाहें तो डालें, लेकिन ये थोड़ी सी हल्दी डलती नहीं। अब चूल्हा ऑन करेंगे, अभी 5-6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल जाएगा, थोड़ा सा पानी जाएगा। अब इसको करेंगे हम दम, दम पे ही पकना है, इसको इस तरह छोड़ना नहीं हमने। 5 से 7 मिनट लगेंगे दम के लिए, और उसके बाद इसके अंदर दोबारा से वो डालेंगे प्याज। सात से आठ मिनट हो गए हैं, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे प्याज जो कि हमने पहले से फ्राई किया हुआ था। खासे मसाले ग्राइंड करना चाहे तो ग्राइंड कर लें, जो भी आपके पास सहूलत है उस तरह कर लें। मिर्ची मैंने इसमें थोड़ी सी कम डाली है, आप चाहे तो अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी देर और, आधा कप पानी जाएगा, सिर्फ आधा कप। कोरमे में से ज़्यादा बड़ी छोटी इलायची का ही जायका आता है, वही अच्छा लगता है। पीस कर डालना चाहे पीस के डाल लें, साबुत डालना चाहे साबुत डाल लें, लेकिन अब इसको 2 मिनट के लिए दम देंगे। पाँच छः मिनट हो गए हैं, अभी 2 मिनट और लगेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसका मसाला शोरबा रख सकते हैं, अगर ना चाहें तो खुश कर लें। मैं थोड़ा सा इसको खुश करूँगी, जो खुश का ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अंदर हम अदरक, हरी मिर्च और धनिया जो कि हमने काट के रखा है इसकी गार्निश के लिए, साथ ही डाल देंगे और साथ दे देंगे दम। 2 से 3 मिनट लगेंगे अब तो ये मुकम्मल हो जाएगी डिश। कोरमा हमारा तैयार हो चुका है, अभी चूल्हा करेंगे बंद और इसे करेंगे डिश ऑफ। मैंने दोबारा से बता रही हूँ, आधा किलो चिकन लिया,
5 से 6 चम्मच ताज़ा दही, जो कि मीठा खट्टा नहीं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, सुर्ख मिर्च का 1 चम्मच बड़ा, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया, छोटी इलायची 5 से 6, सफ़ेद ज़ीरा साबत, दालचीनी साबत, गरम मसाला, हल्दी मैंने इसके अंदर नहीं डाली, 5 से 6 प्याज लिए छोटे वाले, उसको बारीक बारीक काट के, तो मैंने उसको फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उसको खुश किया, आप चाहे तो ग्राइंड कर ले, चाहे तो ऐसे कर ले। तमाम चीज़ों को मैंने मुर्गी के अंदर डाल के मिक्स करके गार्निश करके रख दिया, मैरिनेट करके रख दिया। चिकन हमारा तैयार है, डिश हमारी मुकम्मल हो चुकी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। नाज़रीन बताइएगा कि कैसी बनी, और इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चिकन की जगह पे आप बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तरीकाकार सिर्फ यही होगा। मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो के लिए 1-1 चम्मच ही काफ़ी होता है। तो दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।